जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है उसका सब्जेक्ट ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी। इस चीज़ का मेन मकसद क्या है? ह्यूमन नफ्सियात जो है इसका कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, आज हम इस चीज़ के हवाले से पढ़ेंगे और देन हम सबक के अगले पार्ट में ये सीखेंगे कि आप इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है साइकोलॉजी, ये एक वर्ड है साइको, जो कि इस लैंग्वेज का वर्ड है। ये कौन सी लैंग्वेज है? वर्ड साइको का मतलब क्या है? साइको का मतलब है सोल, SOUL, आपकी रूह। और सेकंड इसका वर्ड है लोगो, LOGO, लोगो। साइको लोगो वर्ड से वर्ड आपका जो है साइकोलॉजी, ये वर्ड निकला है साइको लोगो। साइको मीन आपकी रूह एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लोगो, मीन लोगो मीन योर स्टडी। आसान लफ्जों में आपके पास जो वर्ड है साइकोलॉजी, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी रूह की स्टडी। ठीक है बॉयज, इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल 1879 में रिसर्च हुई थी और इसकी जो मेन डेफिनेशन वो ये है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक एजुकेशन टू ऑब्जर्व योर माइंड एंड बिहेवियर। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। अब आगे चल के इसकी बहुत सी शाखें आ जाती हैं, इसकी भी बहुत सी एग्जाम हैं लाइक स्पोर्ट्स सपोर्ट साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, और आपकी बिहेवियर्स से अकॉर्डिंगली, उसके अलावा आपका जो माशरती निज़ाम है इसको बोलते हैं आपका सोशल होना, इसकी भी नफ्सियात है। आगे चल के इसकी फिर बहुत सी इकसाम आ जाती हैं, बट जो इसका मेन काम है टू ऑब्जर्व योर माइंड एंड योर बिहेवियर, दैट इज़ योर मेजर पॉइंट। इसके बाद हम आज के सबक में ये चीज़ सीखेंगे कि मुस्बत सोच के लोग कौन होते हैं और मनफी सोच के लोग कौन होते हैं और वो कौन लोग होते हैं जब वो अकेले में बैठे हुए हैं, जब पास कोई भी नहीं है, उन्हें मनफी ख्यालात मनफी सोच उनके माइंड में आ रही होती है। अलबत्ता जब वो किसी 5-6-7 लोगों के हजूम में बैठे होते हैं, महफल में होते हैं, तब वो अपने आप को अच्छा शो कर रहे होते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा लोगों के हजूम में अपने आप को अच्छा शो करना और अकेले में नेगेटिव थॉट्स दे के आना, ये एक मुनाफिक इंसान की निशानी होती है। क्योंकि असल मुसलमान वो होता है जिसकी महफल नहीं, जिसका अकेलापन हर बुराई से पाक होता है। अब इंसान को मनफी ख्यालात सोच आती क्यों है? क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ के ऊपर फोकस किया? एनीवन? इसकी जो सबसे बुनियादी वजह वो ये कि हम अपने इर्द गिर्द जो एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं, जो कुछ हम सुन रहे होते हैं, जो कुछ हमारी ज़ुबान से जुदा हो रहा होता है, जो अल्फाज हम अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंसानी जिस्म एक रोबोटिक मशीन की मानिंद है। असल काम कौन करता है? हमारा दिमाग करता है। असल काम हमारा दिमाग करता है जिसने फौरी तौर पे सिग्नल भेजने होते हैं हमारे जिस्म में और हमें हर अच्छे और गलत काम से आगाह करना होता है।
और इसका जो सिग्नल सेंड करने का और आगे जाके वो काम करने का जो ड्यूरेशन है, इट्स वेरी शॉर्ट। अगर इसका ड्यूरेशन आप बताएंगे मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये आप इस ड्यूरेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये ड्यूरेशन आपका एक्सटेंड हो जाएगा तो फिर आपको नुकसान का अंदेशा होगा। क्योंकि अगर आप सोच समझ के एक काम को करने की कोशिश में लग जाते हैं, आप आर्टिफिशियली कि मैंने अच्छा बनना है, मैंने अच्छा शो करना है, तो फिर क्या होगा, आप वो काम नेचुरली बिहेव नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप वो सोच के डिज़ाइन शुदा शख्सियत के साथ, एक डिज़ाइन शुदा दिमाग के साथ, दिमाग के असलियत से नहीं, उसके ऊपर जो लबादा ओढ़ा हुआ है आप उसको वहाँ पे अडॉप्ट कर रहे होते। अब मसला कहाँ पे आता है कि हमें हर टाइम जो सोच आ रही होती है वो सोच मनफी होती है, हमारे साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होता है। और दूसरा, हम इंसान ऐसे हैं कि हम ये समझते हैं कि हमें जो कुछ मिला है, हमने जो कुछ अचीव किया है, जो कुछ हम कामयाब हुए हैं, इसमें हमारी क्वालिटीज़, हमारी खूबियाँ शामिल हैं, ऐसा ही है। और हम ये समझते हैं कि जो हमारी खामियाँ हैं उसका ज़िम्मेदार कोई और है, जो हमें हासिल नहीं हो सका, हमें जो नुकसान हुआ है उसका ज़िम्मेदार कोई और है। इसलिए जब हम अपनी ज़ात से ही मुतमिन नहीं होते, ऐसा भी तो हो सकता है कि खुदा पाक ने हमें हमारी औकात से बढ़ के दिया हो, हमें अभी जो मिल रहा हो क्या पता हमारे अंदर ऐसी एबिलिटीज़ ही ना हो, लेकिन हम इस चीज़ की तरफ नहीं आते, हम हमेशा उस चीज़ की तरफ जाते हैं जिसमें कोई स्पार्क हमें नज़र आता है। स्पार्क कहाँ नज़र आता है? स्पार्क अचीवमेंट में नज़र आता है, आपके मिशन की सक्सेस पे आपको नज़र आता है। व्हेन यू वांट टू अचीव योर गोल, जब आपको गोल अचीव हो जाता है, देन आपको एक स्पार्क नज़र आता है, देन आप कहते हैं कि हाँ यार, जो मैंने अचीव किया है ये मेरी क्वालिटीज़ की वजह से है, मेरे फोकस की वजह से था, मेरी कोशिश की वजह से था। तो क्या जो चीज़ आप कोशिश के बाद अचीव नहीं कर सके उसमें आपका मकसद से लगन थी या नहीं थी? मैं आप सब से सवाल पूछ रहा हूँ, मकसद से लगन थी आपको, बट वो आपकी कोशिश के बायस आपको नहीं मिल सका, आप उस चीज़ को किस्मत पे डाल रहे होते हैं या किसी और इंसान पे डाल रहे होते हैं। अब फिर इसी चीज़ को लेके हमारे जहन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ चीज़ हासिल कर ली है, मैं पीछे रह गया हूँ। अमूमन ये मिसाल हमारे आम लोगों में बहुत मशहूर है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने ख़ानदान में देखें, फैमिलीज में देखें, अमूमन आपके वालदेन, अंकल्स आपको हमेशा ये बातें बोलते हुए सुनाई देंगे कि फ़लाँ का बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फ़लाँ कामयाब हो गया, फ़लाँ फ़लाँ स्केल पे चला गया, आप पीछे रह गए, आपकी ये गलती थी। अब रीज़न क्या होती है? उन्होंने उस इंसान को उस एंगल से देखा होता है, क्या पता वो इंसान आगे बढ़ गया हो, हाईएस्ट रैंक अचीव कर लिया हो, उसके पास सब कुछ हो, उसके पास दुनिया की हर चीज़ हो, बट क्या पता उसके पास खुशी ना हो। जेंटलमैन, खुशी रुपए पैसे या आला स्केल से तो नहीं मिलती ना, खुशी उस टाइम मिलती है आपको जब आप ज़हनी तौर पे सेटिस्फाई होते हैं। अब हमारी बात हो रही थी कि हमें नेगेटिव थॉट्स क्यों आती हैं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला होता है, नेगेटिव सुना होता है और नेगेटिव देखा होता है, इसलिए हमें नेगेटिव थॉट्स आती हैं। अब नेगेटिव थॉट्स क्या होती हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं अपने माजी में इतनी बार नाकाम हुआ हूँ, आगे जब जाऊँगा तो शिकस्त का, डिफ़ीट का, हार जाने का एक खौफ, एक डर आपके माइंड में सवार होता है। और आपको पता है जो लोग इंजाम से खौफज़दा होते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते किसी भी फील्ड में। आपको खुदा पाक की ज़ात पे
यकीन कामल होना चाहिए और अपने जोर बाजू पे आपको भरोसा होना चाहिए। आई कैन आई फेल बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर मी, इज डेट क्लियर? बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल सेल्फ सेड, आई एम पॉसिबल। जेंटलमैन, इफ यू वॉन्ट टू डू सम गुड इन योर लाइफ, तो आपको सेपरेट होके मूवमेंट करनी होती है, ना कि रश के साथ। मैंने उस दिन आपको कहा था कि जब आप लाइफ में कहीं आगे बढ़ते हैं, आप रश में बढ़ते हैं, आप लोगों की सपोर्ट ले के आगे बढ़ते हैं, आप कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी शनाख्त इसको ख़त्म कर देते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि हम लोगों के स्टाइल को अडॉप्ट करें? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या ये काम ज़रूरी है? मेक योर ओन स्टाइल। जब तक हम लोगों के पीछे जा रहे होते हैं कि फ़लाँ मदे की स्पीक पावर अच्छी है, मैंने उसके मुताबिक बोलना है, फ़लाँ मदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसकी चाल ढाल बहुत अच्छी है, मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को भी उसी शख्सियत में, उसी सांचे में डालना है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उस इंसान से इंस्पायर हो चुके हैं। हम उस इंसान से इंस्पायर हो चुके हैं। अगर उसकी कोई क्वालिटी है तो वो उसके साथ मैच कर रही है, लाजमी नहीं कि वो आपकी पर्सनैलिटी पे सेम टू सेम जाके मैच कर रही हो। आया कि हम ये नहीं कर सकते कि हम जस्ट वहाँ से इंफॉर्मेशन लें, उसका लबादा ना ओढ़ें, बल्कि अपनी बेसिक पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जाके हम वर्किंग करें, इसको इनक्रीज करें, इसको मोटिवेट करें और इसको स्टेप बाय स्टेप रेगुलर बेस पे आगे की तरफ मूव करें। अब हर इंसान को मैक्सिमम 60% और मिनिमम 40% नेगेटिव थॉट्स आती हैं, ये एक रिसर्च कहती है। आप किसी और की नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने के ज़िम्मेदार नहीं हैं और ना ही आप कर सकते हैं। आपका काम अपनी नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नफ्सियात को बिल्डअप करना है। आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अकेले में जब वो सेपरेट की बैठे होते हैं या रात को सोने जाते हैं, नींद नहीं आती, डेढ़ डेढ़ घंटा उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे होते हैं कि मैं दो बार नाकाम हो गया हूँ, आगे मेरी लाइफ में क्या होगा, फलां चीज़ मुश्किल है, फलां कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैं पीछे रह गया हूँ, आगे चल के क्या होगा? ऐसे कितने लोग हैं आप में से? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज़। ठीक है, हाथ नीचे करें। आपको मैं छोटी सी एक एडवाइस दूंगा। आप एक काम करें, हर रोज आपकी लाइफ में जो कुछ अच्छा होता है उसको अपने पास लिख लें। ये नफ्सियात कहती है, उसको अपने पास लिख लें। आपके पास लिखने के लिए होना चाहिए कोई ना कोई चीज़। आज दिन को कुछ अच्छा हुआ उसको अपने पास लिख लें, अपनी जेब में डाल के रख लें। दोपहर को कुछ अच्छा हुआ, आधे घंटे बाद कुछ मज़ीद आपने अच्छा देखा, कुछ अच्छा सुना, कुछ अच्छा बोला, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, तो अब आप क्या करें? उसको अपने पास लिख लें। जब शाम को जाएं अपने रूम में तो वहाँ जाके एक खाली स्पेस में उसको छुपा के रख लें, ताकि उसे और कोई न पढ़े कि आपने उसमें क्या लिखा है। छुपा के रखने से मुराद ये कि वो आपकी सबसे वो आपकी ज़्यादा जिस चीज़ की कीमत होती है वो आपकी अमाउंट हो। अब मिसाल के तौर पे कोई रुपया पैसा आपने जोड़ के बचा के घर पे सेपरेट करके रख दिया कि ये पैसा मेरा मुश्किल टाइम में काम आएगा, अब आपका सबसे ज़्यादा फोकस उन पैसों पे होगा कि जब कुछ भी नहीं होगा मैं ये यूज़ करूँगा। मतलब ये जो आप लिख के वहाँ स्पेस में उस खाली पॉइंट पे जब जाके संभाल रहे होंगे, उसकी फ़िक्र और उसका इलम सिर्फ आपको और आपकी ज़ात को पता होना चाहिए। आप ये काम करते रहें, हफ्ता करें, 10 दिन करें, 15 दिन करें, 20 दिन करें,
एक दिन जब घर पे कोई भी ना हो, आप अकेले हों, आप जाएं उन सब शीट्स को वहाँ से निकालें, खोल के सबको देखें और पढ़ें। यकीन करें आपको लगेगा कि अल्लाह मुझे मेरी ज़ात से बढ़ के दे रहे हैं। इस चीज़ की तो मेरे अंदर एबिलिटी नहीं थी जो अल्लाह ने मुझे फ़लां दिन फ़लां टाइम पे दे दी है। इंसान को कोई पता नहीं होता अभी आगे क्या होने वाला है। इंसान बड़ा ना शुक्र है, जब कुछ मिलता है, जब कुछ आ रहा होता है, उसके माइंड में यस होता है, एक्सेप्टेंस होती है। बट जब कुछ जा रहा होता है तो अपने आप को भूल जाता है। नफ्सियात कहती है कि इंसान किन किन चीज़ों से मोटिवेट होता है। अगर हमने कुछ देखा है तो सारा दिन हमारे माइंड में उस किस्म की थॉट्स आ रही होंगी। अब एक मशहूर मिसाल है कि सुबह सुबह उठ के आप एक्सीडेंट की खबरें, अखबार की खबरें ना पढ़ा करें, ना सुना करें, या फिर उल्टी मुल्टी जो खबरें आ रही होती हैं डिज़ास्टर के हवाले से कि बंदा इंजर्ड हो गया फलां फलां, क्यों? ताकि सारा दिन वो थॉट्स आपके माइंड में ना फेर रही हों। और एक मशहूर मिसाल जो आजकल दी जाती है कि सुबह उठ के मैंने फलां बंदे को मुंह लगाया था इसलिए शाम तक मेरा दिन ख़राब गुजरा है, ये बात सुनी हुई है? क्या इसमें उस इंसान की गलती होती है जिसको आपने मुंह लगाया होता है? आपने उसको मुंह क्यों लगाया है? क्या मुंह लगाने की चीज़ है यार भाई? आज के दौर में अगर आप इस चीज़ को जज करें तो ये मिसाल गलत है। इस चीज़ को वाज़े करने के लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि आज के दौर में असल चीज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ योर थॉट्स है, आपका फोकस है, सिग्नल्स ऑफ योर माइंड है। यहाँ से जो सिग्नल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं असल काम उसका है। अपनी फैमिली में देखो, सारी बातों को छोड़, अपनी फैमिली में देखो। एक ऐसा बंदा जो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसका नाम शो हो गया, न्यूज़पेपर में आ गया, मीडिया पे आ गया, आपका बहुत नज़दीक का रिश्तेदार, अंकल का बेटा है, योर कज़न, आप किसी दूसरे गांव में जा रहे हैं, आप सिटी में जा रहे हैं, आप यहाँ क्लास में बैठे हैं, कोई बंदा आपसे कहता है यार जो फलां का बेटा फलां है वो तुम्हारे अंकल का बेटा है जिसने फलां गलत काम किया है या फलां बुराई में इन्वॉल्व पाया गया है, आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं मैं उसको नहीं जानता, वो तो शुरू से ही गलत था, तो मुझे अबू ने कहा था इनके साथ रब्ता नहीं रखना, ये अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं। ऐसा ही है, आप लोग ऐसा क्यों करेंगे? अगर इंसान की रिस्पेक्ट आज के दौर में होती तो वो एक इंसान था। आपने अपनी थॉट्स को, अपने फ़ायदे को, अपने बेनिफिट को सोचा है। अगर हम यूं कहें कि जो आपके अपोजिट है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ही और शी या इट इज़ ओनली ऑब्जेक्ट, नॉट अ पर्सनैलिटी, ओरिजिनल पर्सनैलिटी इज़ योर सेल्फ, जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। अब सोच कहाँ से आती है, पहले आप इस चीज़ को समझें। सोच अब हमें आती है, सबसे पहले इसकी बनती है थ्योरी, थ्योरी के बाद बनती है आइडियालॉजी, उसके बाद क्या बनता है थॉट, थॉट के बाद क्या बनता है आपके ख्यालात का मजमूआ, आपकी वर्किंग आउटपुट। अब उस इंसान जिसने कुछ गलत किया, आपने उसको अपने आप से दूर किया, हालांकि आपका बहुत करीबी था। अब एक और बंदा है, आपका कुछ भी नहीं लगता, आपके इलाके का है, आपके ज़िले का है, बट किसी आला पोस्ट पे है, आप यहाँ क्लास में बैठ के, यूनिवर्सिटी में बैठ के, या बाहर रोड पे आते जाते हैं अपने दोस्तों को बग़ैर उनसे पूछे बता रहे होते हैं फलां मेरे फलां का फलां लगता है, चूँकि वो एक आला पोस्ट पे है। आप ड्यू टू हिज जॉब, हिज वर्किंग, उसकी पहचान की वजह से अपने आप को उससे जोड़ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इंसान की रिस्पेक्ट है? अगर होती तो वो जो आपका बहुत नज़दीक का बनता था, आपने उसको अपने आप से दूर क्यों किया? बिकॉज
ही इज ओनली ऑब्जेक्ट। जब आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, नफ्सियात कहती है बेसिकली वो आप अपने बारे में सोच रहे हैं। आपको याद है जब आपका रिसेंटली जुमे वाले दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, उसमें आपने ये भी लिखना था कि वो, ये, उसने, हिज, हर, ही, शी, इट, आपको याद है? अब इट ना तो आपसे मिलता है, ही भी आपसे मिलता है, बट शी आपसे नहीं मिलता, इट आपसे नहीं मिलता, दे आपसे नहीं मिलता, डेट आपसे नहीं मिलता, वो किसी और इंसान की बात हो रही है। डिमेरिट्स ऑफ माई फ्रेंड्स, किसी और की बात हो रही है। बट जेंटलमैन, साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो इंसान वहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं है, ही और शी इज ओनली ऑब्जेक्ट। जो आप उसके लिए सोच रहे हैं वो बेसिकली आपके अपने माइंड से आ रही है। अब माइंड ने बात कहाँ से आई है? वही बात, कुछ अच्छा देखा है, कुछ अच्छा सुना है, कुछ अच्छा बोला है, या इसके अपोजिट। अगर हम ख्वाह मख्वाह लोगों के पीछे जाने के बजाय या उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां करने के बजाय अपनी थॉट्स पर ही फोकस कर लें, क्योंकि अब आपको ये बात तो समझ आ गई है कि थॉट्स कहाँ से बनती हैं, कुछ सुनने से, देखने से या बोलने से। अगर हम इस दिमाग को कुछ अच्छा सुनने के लिए दें, कुछ अच्छा बोलने के लिए दें और कुछ अच्छा देखने के लिए दें, तो क्या हमारी जो दिमाग की पावर है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती नेगेटिव इनटू पॉजिटिव? इज इट पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल है, बट इसके लिए वर्किंग चाहिए होती है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस चाहिए होता है। अब हम इंसान क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे पसंद आ रहा है, बाकियों को भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम उसे उसकी नजर से नहीं, हम उसको अपनी नजर से देख रहे होते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्या हर इंसान की साइकोलॉजी सेम है? यार एक छोटा बच्चा है 10 साल का, उसकी साइकोलॉजी भी चेंज है, डिफरेंट है। हम लोगों के पीछे मूव करते हैं, इसको मैंने चेंज करना है, इसको अपने रास्ते पे लाना है, ये चीज गलत है, उसको चेंज करें, अच्छे रास्ते पे चेंज करें, बट उसके अपने स्टाइल में उसको चेंज करें, उसका अपना नाम पैदा करें। आप कब तक लिखते फिरेंगे आई एम सन ऑफ फलां फलां फलां? मेक योर ओन आइडेंटिटी, कि मैं खुद कौन हूँ। आपके फादर, आपके अंकल एक आला मुकाम पे थे, वो इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया से, इस पाकिस्तान से कुछ लिया है उन्होंने, शनाख्त ली है, जगह ली है रहने के लिए, उन्होंने इसको कुछ दिया है, तो अपनी शनाख्त बनाई है। आपने क्या किया है? मेक योर ओन आइडेंटिटी, ताकि लोग आपको आपके नाम से जाने, ना कि किसी कोलीग के नाम से जाने। और नाम ऐसे तो नहीं बनता कि एक बात 10 बार बताई जाए, आपकी यूनिफॉर्म का, ड्रेसिंग का 10 बार बताया जाए, बताया जाए कि 9 बजे क्लास है, 9 का मतलब 8:50 और आप 9:10 पे आ रहे हो। इस तरह से तो नाम पैदा नहीं होता। नाम कैसे पैदा होता है? जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग करते हैं, कुछ अच्छा पुट करने का ख्वाब होता है, कुछ ख्यालात आपके माइंड में होते हैं। अब ये उस टाइम होगा जब आपकी अपनी थॉट्स के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग होती है, जब आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल समझते हैं कि हाँ अब मैं स्टेबल हूँ, चाहे खुशी का वाकया हो, कमी का वाकया हो, मैंने उलझन का शिकार नहीं होना है, बिकॉज आई नो अबाउट माई सेल्फ, कि मैंने अपने आप को किस रास्ते पे लेके चलना है कि मैं अपने आप को स्टेबल कर पाऊँ और बेहतरी की तरफ मैं गामजन हो जाऊँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बॉयज, मेन पॉइंट इज दिस, कि अगले बंदे को, सामने वाले बंदे को ना तो उससे इंस्पायर होना है, ना तो उसके नक्शे कदम पे चलना है, अपना स्टाइल खुद से बनाना है,
और ना कि उसको अपनी नज़र से देखना है कि मैं इसको अपने जैसा बनाऊं। हर इंसान को अल्लाह पाक ने बहुत सी खूबियाँ दी हैं जो हर इंसान से जुदा होती हैं। हर इंसान की चेंज है, इवन कि आप देखें कि शक्ल सूरत से भी कोई इंसान एक जैसा नहीं है, उसकी जो लुक है उससे भी वो चेंज है। तो क्या उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है? जब आपने किसी के ऊपर वर्किंग करनी है तो आप उसको उसके अपनी क्वालिटीज़ के सांचे में डालेंगे, ना कि अपने ऊपर लेकर आएंगे। हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है, साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, हर इंसान की केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? जी मैं इस चीज़ को समझाने के लिए एक मिसाल दिया करता हूँ, अगर आपको याद हो तो। आप लोग जरा आँखें बंद कीजिए सारे, एंड नाउ लुक फ्रंट, अपना हाथ उठा के शमाल की समत में ले जाइए, बट आंखें बंद करके। अरे आप आंखें बंद करके अपना हाथ शमाल की समत में ले जाइए। अब आंखें खोलें बट अपने हाथों को स्टेबल रखिएगा और सबको देखें कि इसका हाथ कहाँ पे है। अब देखिए, इनका शमाल ज़मीन की तरफ है, इनका शमाल आसमान की तरफ है, और सिर्फ चार पांच है जिनका एग्जैक्ट सिमत शमाल की तरफ है, बाकी इनका देखो शमाल बिल्कुल आसमान के ऊपर है, हाथ नीचे। अब इस बात से क्या मिलता है हमें कि अगर इस क्लास में बैठे हुए ये 50-60 लोग जो हैं, अगर इनकी ही साइकोलॉजी चेंज है, अगर इनकी एक मिनट की थॉट ही चेंज है कि इन्हें जब बताया गया कि जजमेंट करो कि नॉर्थ किस साइड पे है, इनकी 2 या 3 सेकंड की जजमेंट ही डिफरेंट है। मैं सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट की बात कर रहा हूँ, बात को समझें। अगर 3-4 सेकंड में ही आप लोगों की जजमेंट चेंज है तो क्या अब अपनी लाइफ से जुड़े इंसान को अपने नक्शे कदम पर चला सकते हैं? नहीं। आप उसके ऊपर वर्किंग करें, उसको बिल्ड अप करें, उसको इम्प्रूव करें, बट उसकी अपनी क्वालिटीज़ में, उसके अपने स्टाइल में, उसके अपने अंदाज में। इज़ इट क्लियर?